नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक खास पेशकश एक और बाहुबली में। मैं हूं आपके साथ सोनिका। भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ गई है। नौसेना के बेड़े में INS विशाखापट्टनम को शामिल किया गया है। INS विशाखापट्टनम के भारतीय नौसेना में शामिल होने से भारतीय नौसेना की ताकत और भी बढ़ गई। INS विशाखापट्टनम में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 75% स्वदेशी उपकरणों से बनाया गया है। इसके निर्माण के दौरान ऑन बोर्ड मशीनरी, विभिन्न सहायक हथियार प्रणाली और सेंसर में सुधार किया है। बता दें कि INS विशाखापट्टनम को भारत में बने सबसे शक्तिशाली युद्ध पोतों में से एक माना जा रहा है। INS विशाखापट्टनम को नौसेना डिजाइन निदेशालय में डिजाइन किया गया है, जबकि इसे मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने इसे बनाया है। यह नौसेना के प्रोजेक्ट P-15B का हिस्सा है। INS विशाखापट्टनम जैसे बाहुबली के नौसेना में शामिल होने के बाद भारत की नौसेना और भी मजबूत हो गई है। INS विशाखापट्टनम में 75% उपकरण भारत के स्वनिर्मित हैं। जिस तकनीक से इस युद्ध पोत को तैयार किया गया है, वो तकनीक आसानी से दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकती है। INS विशाखापट्टनम की खास बातें: लंबाई 163 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर और वजन 7400 टन है। अधिकतम रफ्तार 55.56 किलोमीटर प्रति घंटा है। 4 गैस टरबाइन इंजन से इसे ताकत मिलती है। हवाई हमले से बचने के लिए 32 बराक 8 मिसाइल से लैस है। मिसाइल सतह से हवा में मार करता है। एयरक्राफ्ट, एंटीशिप मिसाइल, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, फाइटर जेट नेस्ट करने में सक्षम है। INS विशाखापट्टनम 16 ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश एक और बाहुबली में इतना ही। आप देखते रहिए AB News। नमस्कार।